बाड़ी बंदी शब्द जब भी आपको सुनाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपके प्रदेश में चुनावी त्योहार का माहौल चल रहा है। राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस विधायक उदयपुर के होटल ताज अरावली में तो भाजपा के जयपुर के जामडोली स्थित होटल में त्योहार मना रहे हैं। वैसे अगर आप होटल में रुकने को बाड़ बंदी कहेंगे तो मंत्री और विधायक आप पर बरस उठेंगे, इसलिए दोनों पार्टियों की ओर से इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया। वो ट्रेनिंग कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था, बाड़ा बंदी नहीं थी। वो आप लोगों को वैसा देखने का प्रशिक्षण शिविर था, एक बार मौके पर लोए किसको किसको वोट देना, उस प्रकार की सारी बातें। अब बात करेंगे बाड़े बंदी या कहीं प्रशिक्षण शिविर की। जैसे ही राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया गया था तभी से दोनों पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान कांग्रेस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विधायकों की नाराजगी और उन्हें मनाना सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए नाको चने चबाने से कम नहीं था। फिर धीरे धीरे अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखानी शुरू की। अशोक गहलोत ने विधायकों के संग उदयपुर के जादूगर आंचल की जादूगिरी देखी, साथ में ये भी सुनिश्चित हुआ कि तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएं। तो अपनी इच्छा से सब विधायक ये जहाँ के हम इकट्ठा रहे, हम सब इकट्ठा रहे, पाँच छः दिन उदयपुर में, कल जयपुर आ गए थे, लेकिन अच्छे माहौल में एकजुटता से सभी विधायकों ने अपना वोट आज कास्ट कर रहे हैं। शाम तक मतगणना हो जाएगी और राजस्थान कांग्रेस के बाद हमारा उम्मीदवार हरी बकर से बीजेपी। इन सबके बीच एक हॉर्स ट्रेनिंग का मामला खूब गरमाया। चुनाव में ईडी, चुनाव आयोग के साथ ईसीबी, सीबीआई की भी एक एक कर एंट्री लेने लगे। ऐसा लगा कि चुनाव नहीं कोई स्कैम की जांच चल रही हो। विधायक की खरीद फरोख्त को लेकर दोनों ही पार्टियों को डर सताने लगा था। निर्दलीय विधायकों को रुपए के ऑफर भेजने की बातें भी सामने आई थी। कांग्रेस पर फोन टैप करने के आरोप भी लगे थे। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने क्या तुक थी, ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना चारों सीटें, तीन हमारी एक बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार ही खानी पड़ी इन लोगों को, अब फिर इस बार मार खाएंगे लोग। ओके, इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्लान बाड़ा बंदी सफल रहा। वहीं दूसरी ओर इस बार बाड़ा बंदी में नेट बंदी काफी ज्यादा चर्चा में रही, जिसका भाजपा की ओर से भी विरोध किया गया। इस बार जननायक की रणनीति काम आई और लगभग तीन प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। कुछ इस तरह रहा राज्यसभा चुनाव 2022 का बाड़े बंदी से नेट बंदी तक का सफर। पंजाब के सी टीवी के लिए रौनक पारिक, हरिनाम सिंह के साथ सहयोगी विजेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट।